भाजपा के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि भाजपा जिला कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित कर उनके चलचित्र पर माला पहनाकर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें दामोदर अग्रवाल पूर्व जिला अध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य भीलवाड़ा सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आंचलिया नगर परिषद सभापति राकेश पाठक उपसभापति रामलाल योगी ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री सुरेंद्र सिंह पवार सुभाष मंडल अध्यक्ष रमेश राठी मंचासीन थे। इस अवसर पर दामोदर अग्रवाल ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कई प्रेरणास्पद घटनाएं बताए। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के लिए इनकी जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बताया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। उपाध्याय भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानवतावाद नामक विचारधारा दी। उपाध्याय की पुण्यतिथि की संगोष्ठी में भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि वह महान चिंतक व कुशल पथ प्रदर्शक थे। तेली ने इस अवसर पर पंचायत चुनाव के साथ निकाय चुनावों में भाजपा की भारी जीत होने पर सभी को बधाई दी। नवनिर्वाचित सभापति राकेश पाठक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कुशाग्र बुद्धि के धनी बताया। पाठक ने नए भाजपा जिला कार्यालय में लाइब्रेरी शुरुआत करने को कहा, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संबंधित विभिन्न पुस्तकें उपलब्ध कराने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पहली संगठनात्मक मीटिंग संगोष्ठी में नवनिर्वाचित नगर परिषद सभापति राकेश पाठक उपसभापति रामलाल योगी के साथ नए मनोनयन पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति प्रतिनिधि दामोदर अग्रवाल ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री सुरेंद्र सिंह पवार भाजपा जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अर्पित समदानी का जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली द्वारा भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। तो पंडित दीनदयाल जी का जीवन जो हम सब के लिए प्रेरणास्पद है, उसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। चुनाव लड़ने की जो घटना बताई, उनको एक ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र था, वहां से चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने